भगवान श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज यानी गुरुवार को सुबह 7:10 पर शुभ मुहूर्त पर ब्रह्म बेला में पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इस मौके पर पहली पूजा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई है। कपाट उद्घाटन के साक्षी बनने के लिए हजारों संख्या में श्रद्धालु धाम पर मौजूद थे। गुरुवार को सुबह 4 से कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुबेर जी, श्री उद्धव जी और गाड़ू घड़ा दक्षिण द्वार से मंदिर के परिसर में लाया गया। इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी रावल जी समेत मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। मुख्य पुजारी ने गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हुए सबके लिए मंगलमय की कामना की। पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। इसके साथ ही इस साल के लिए बद्रीनाथ के दर्शन शुरू हो गए। कपाट उद्घाटन के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। हल्की बर्फबारी और बारिश के बीच सेना की टुकड़ी ने बैंड की मधुर धुन और स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत व नृत्य के साथ भगवान बद्रीनाथ की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के अनुरूप बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के अवसर पर तीर्थ यात्रियों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा से श्रद्धालु गदगद हो उठे। कपाट खुलने के एक दिन पूर्व से ही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। पहले दिन ही हजारों श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ में अखंड ज्योति एवं भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 यात्रा का आगाज हो गया है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही भू बैकुंठ धाम के आसपास तप्त कुंड, नारद कुंड, शेष नेत्र झील, नीलकंठ शिखर, उर्वशी मंदिर, ब्रह्म कपाल, माता मूर्ति मंदिर तथा देश के प्रथम गांव माना भीमपुल, वसुधारा जल प्राप्त एवं अन्य ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थलों पर भी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की भीड़ जुटने लगी है। वहीं विगत वर्षों में लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ की यात्रा कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में भी उत्साह और उल्लास का माहौल है।